जी हाँ, काफी ज्यादा ही कंट्रोवर्सीज में रहने वाले विकास गुप्ता और पार्थ नजर आए हैं पलश मुच्छा स्टार स्टडेड बर्थडे बैश पर। बता दें आप सभी को कि यहाँ पर तमाम सितारों के बीच आमना सामना हुआ विकास और पार्थ का भी। दोनों जहाँ एक ही छत के नीचे नजर आए हैं, तो वहीं दोनों ने क्या बातें की हैं आप सभी को सुनाते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि दोनों से जुड़ी कई सारी कंट्रोवर्सीज अक्सर ही गलियारों में वायरल रही हैं, और साथ ही साथ जहाँ बिग बॉस सीजन 11 का हिस्सा बने थे विकास गुप्ता, तो वहीं पार्थ के साथ उनके रिलेशन पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए। खैर, आपको दिखाते हैं दोनों कैसे पॉट किए गए। जी हाँ, वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू पलाश। 23 साल के हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, और अच्छा लगता है जब इतने यंग इंसान, इनफैक्ट हमसे छोटे होकर भी इतना कुछ पा लिया, इतना कुछ हासिल कर लिया। सो इट फील्स गुड, सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम। हैप्पी बर्थडे। अभी बोल रहे यस यस। तो पलाश कुछ कहना चाहेंगे अपने बर्थडे पर? नहीं, हमारा स्वागत है नया 28 मई को। जी हाँ, फैंस नहीं फ्रेंड्स। जी हाँ, प्रमोशन इज ऑन। यार मुझे, मैं तेरे बर्थडे के लिए आया हूँ यार। अच्छा, बर्थडे के लिए स्ट्रिक्टली? ओके ठीक है। क्या सर, ये तो अभी पता चलेगा, बिकॉज ये तो पलाश की शाम है, तो देखेंगे क्या होता है। केक और खाना और बहुत कुछ, डांस वेंस, मस्ती, सब कुछ होने वाला है। जी वो तो जो गाने बजा देंगे हम, एक बार वो क्या है मूड आ जाता है तो फिर हम शुरू हो जाते हैं। जी जी, I want to thank each and every one of you, because whoever has watched the show and appreciated the work, not only me but also all the other characters on the show. So it feels nice when you guys have watched season 1 and season 2 and now also season 3. So I hope that you guys are liking it. Please continue to do so, please continue to watch so, because there's lots of fun, lots of masti coming your way. Cheers. Yeah. The trailer already launched. Did you like that trailer? Yeah, of course, of course. I mean, trailer kis cheez ka? अच्छा, ओके। ट्रेलर सुना? नहीं मैंने नहीं। और एक सवाल है सर, इसके अलावा पेट्रोल कब हुआ आया? अच्छा, ओके। पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ चुके हैं, इतना इफेक्ट होता है आपके ऊपर, क्या टेक होता है? भाई नो आइडिया, अभी फिलहाल तो नहीं। आई हैव बीन अवे फ्रॉम एवरीथिंग राइट नाउ। मैं बाहर था, यहाँ नहीं था। हम लोग आए, यही सरप्राइज है, कि हम मतलब वी हैव कम एंड वी आर सो हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज पलाश इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड यंग बॉय। यार हम लोग, वी आर ऑल दिस वेरी यंग टीम एंड वी आर वेरी यंग पीपल आर डूइंग सच गुड वर्क एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू बी देयर फॉर ईच अदर, सो इट्स ऑलवेज गुड। कूल। किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करती है पलाश के साथ और कैसी मेमोरीज हैं? कैसी मेमोरीज है? हाँ जी, तो अभी रिसेंटली हमने एक सॉन्ग शूट किया है फैंस नहीं फ्रेंड्स, एंड ग्रेट एक्सपीरियंस, वेरी टैलेंटेड गाय, एंड विशिंग हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। यस विकास, आपकी तरफ से कोई गाना अगर आप डेडिकेट करना चाहें आप दोनों मिलके पलाश को? पलाश के लिए यार, अगर हम गाना गाएंगे ना तो पलाश हमें पार्टी से निकाल देगा, बिकॉज पलाश इज सच एन अमेजिंग अमेजिंग म्यूजिक डायरेक्टर। वो केवल अच्छे गले वाले लोगों को गाने का मौका देता है। क्या बात कर रहे हो तुम, नीति से गवाएंगे हम लोग। कम नो, प्लीज डोंट। ये देखो यार, बर्थडे का मतलब क्या होता है? बर्थडे का मतलब भी सेलिब्रेशन होता है, और अगर बर्थडे में सेलिब्रेशन नहीं होगा तो कहाँ पर सेलिब्रेशन होगा? दैट्स द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। या तो पलाश के गानों पे नाच रहे होंगे हम लोग मोस्टली, बिकॉज आज उसका दिन है एंड ही इज गिवन सम अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग्स, सो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू डू दैट। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे रेस 3 का ट्रेलर जो है ट्रेंडिंग में है, क्या कहना चाहेंगे? यार अगर सलमान सर की पिक्चर का ट्रेलर ट्रेंडिंग पे नहीं होगा तो क्या किसकी फिल्म का होगा ट्रेलर ट्रेंडिंग में? इट्स ऑब्वियसली वेरी क्लियर, इट इज सपोज टू बी हिज फिल्म एंड वी ऑल विल वॉच इट एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज फिल्मी है ना, फिल्में देखी इसलिए जाती हैं ताकि आप इंटरटेन हो सको, इतना सीरियसनेस नहीं हो लाइफ में। तो सलमान सर की फिल्में होती हैं, कभी कुछ अच्छा सिखाती हैं, कभी कुछ हंसाती हैं, कभी बहुत इंटरटेन करती हैं, सो इट्स ऑलवेज ऑलवेज नाइस। अबाउट, आप बताएं रेस 3 के ट्रेलर के बारे में। आई एम एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, सलमान खान फैन। यस एंड हैव यू सीन जैकलीन डूइंग दैट? ओ
देखो लड़कियाँ भी बोल रही हैं अच्छा मेरे पापा और मम्मी पे बड़ा फर्क अफेक्ट पड़ता रहा होगा मुझे 100% मालूम है बट आई थिंक दैट अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो डीजल वाली गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी फिर अगर डीजल वाली डीजल का भी प्राइस बढ़ चुका है इतना बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया तो सीएनजी लोग खरीदेंगे फिर सीएनजी बढ़ाएंगे वो लोग तो ये तो ऐसे ये ऊपर नीचे चलता रहेगा इसमें वी आर नो वंस टू से एनीथिंग वी आर नॉर्मल पब्लिक वी विल हैव टू जस्ट लिव बाय व्हाट यू गिव टेल अस एंड व्हाट वी हैव टू गो बाय नथिंग नथिंग जो उन्होंने बोला वही वही नहीं 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 थी बता तू पेट्रोल के क्या फर्क पड़ेगा नहीं नहीं नहीं